आइए प्यारे बच्चों, हम लोग आज शुरू करेंगे साइंस क्लास 7th का लेसन नंबर आपका 8 है, पवन तूफान और चक्रवात, जिसमें हम पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे आज, पार्ट 4 का। तो इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्रमशः, तो आज हम लोगों का हेडिंग है, मुख्य बिंदु है, पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होना। पवन धाराओं का जो पृथ्वी पर असमान रूप से गर्म होना, क्या कारण है इसके? उस कारणों का मुख्य रूप से दो कारण हैं, इन कारणों का हम अध्ययन करेंगे। क्या कारण है कि असमान रूप से गर्म होती हैं? पृथ्वी पर सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, जो प्रकाश ऊर्जा है, उष्मी ऊर्जा है, वह क्रमशः आ रहा है, एक समान रूप से आ रहा है, लेकिन पृथ्वी पर हमारा पृथ्वी के हर हिस्से अलग अलग ढंग से गर्म क्यों? अलग अलग ढंग से कहने का मतलब है कि अलग अलग टेम्परेचर क्यों बन जा रहा है, क्या कारण है कि कहीं पर तापमान ज़्यादा हो जा रहा है, कहीं पर तापमान कम हो जा रहा है, इसके पीछे क्या कारक है? तो पहला कारक है आप लोगों का भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। ये क्यों होता है कि भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्र, अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि भूमध्य रेखीय किसे कहेंगे और ध्रुवीय क्षेत्र किसे कहेंगे। थोड़ा हम पृथ्वी के बारे में इन चीज़ों को जानने के पहले हम जान लें, तो उससे पहले हम जाने पवन धाराएँ क्या होती हैं। पवन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि जो गतिशील वायु होती है उसे पवन कहते हैं, और पवन का एक पूरा एक, जब देखते हैं हवा चलती है तो पूरा एक झोंका ही चलता है, एक बहाव होता है, जिसको हम बहाव को, पवनों का जो बहाव हो रहा है एक दिशा में, तो उसे हम कहते हैं पवन धाराएं। तो पवन धाराएं जो हैं पवन धाराएं क्यों चलती हैं? पवन जो राशियां हैं ये गतिशील जब हो जाती हैं, पवन धाराओं का रूप ले लेती हैं, या जिसे हम पवन धारा कहते हैं, ये क्यों होता है, क्या है इसके पीछे, अब ये थोड़ा हम अध्ययन कर लें पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी का आपका जो शक्ल है, जो आकार है, वो जो है एक गेंद की भांति है। गेंद की भांति होने के कारण अब इसमें जो है, गेंद की भांति होना और ये जो है एक चक्रण करना अपने अक्ष पर, तो एक जो है साइड बनता है नॉर्थ, यानी ये हो गया उत्तरी ध्रुव, इसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं ध्रुव, और एक हो गया साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव हो गया ध्रुव। अब इस पर जो है पृथ्वी जो है उल्टी दिशा में, पृथ्वी पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसका जो है ऐसे ही आपका मोमेंट हो गया, इस साइड की ओर से हो गया ऐसे, ये गति कर रही है। तो यहाँ पर जो है आपका देखा जाए तो इसके मध्य में यदि हम एक रेखा खींच दें ऐसे, बीचों बीच से होकर जाए, तो इसी रेखा को जो पृथ्वी के दोनों ये जो ध्रुव हैं, ये उत्तर साइड जो दक्षिण साइड बन रहा है पृथ्वी का, जो गोला है दो हिस्से इसके बन रहे हैं, तो एक है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी यह यहाँ से हम काटे तो ये आधा आधा गोले में बट जाए। तो ये जो काटने वाला जो ये रेखा है, काल्पनिक रेखा जो होती है, इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा हो गया। फिर भूमध्य रेखा को ही हम कहते हैं भूमध्य रेखा, और आपका विषुवत वृत्त भी इसको कहते हैं, विषुवत वृत्त। फिर इसी तरह आपका कर्क रेखा है,
और मकर रेखा है। तो ये कर्क रेखा ये ऊपर आता है आपका, ये कर्क रेखा हो गया और ये मकर रेखा हो गया और ये हो गया मकर रेखा, मकर रेखा हो गया। तो अब यहाँ पर ये हो गया आपके ध्रुवीय क्षेत्र, ये ध्रुव हो गए। तो यहाँ पर जो है सूर्य का यदि प्रकाश आता, ये इस तरह हिस्से बट गए, इस हिस्सों का नाम भी है, ये जो क्षेत्र बट रहे हैं, ये जो एरिया होता है, अब यहाँ से मैं डॉट डॉट कर दूँ तो ये जो क्षेत्र बनता है भूमध्य रेखा के जो आसपास का क्षेत्र है, और इस तरह कर्क रेखा के आस पास, मकर रेखा के आसपास का, कर्क रेखा के आसपास का ये जो क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है और यहाँ जो क्षेत्र बन रहा है ऐसे, ऐसे जो क्षेत्र बन रहा है, ऐसे जो क्षेत्र बन रहा है, तो ये जो क्षेत्र बन रहा है इस क्षेत्र का जो नाम है, ये जो क्षेत्र बन रहा है बीच में भूमध्य रेखा के आसपास, इसको कहते हैं, इस ये जो क्षेत्र बन रहा है, ये जो कटिबंध बन रहा है, तो इस कटिबंध, कटिबंध, इस कटिबंध का नाम है कटिबंध उष्ण कटिबंध, ये उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये गर्म हिस्सा है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है सूर्य की। अब यहाँ आप देखेंगे क्यों इतना गर्म होता है, तो इसके पीछे रीजन है कि जो सूर्य, ये होगी पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा हो गया, तो यहाँ सूर्य से प्रकाश जो आता है, तो ये प्रकाश जो है, ये जो प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश की किरणें इसके ऊपर, इसके ऊपर असमान रूप से पड़ रही हैं, कहीं पर तिरछी पड़ रही हैं, कहीं इसका वायुमंडल है, ये इसका वायुमंडल रहा। तो इसके ऊपर पड़ने के नाते, इसके ऊपर तिरछी पड़ने के नाते यहाँ का जो ताप है, जो बीचों बीच में पड़ रहा है, यह ज़्यादा होता है, यहाँ पर जो तापमान है यहाँ कम होता है, यहाँ का तापमान ज़्यादा होता है, इससे कम जो है यहाँ का होता है, और इससे कम जो है यहाँ का होता है, इस पर पड़ने वाले जो तापमान है। तो इस तरह यहाँ पर ज़्यादा मात्रा हो जाती है भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ने के कारण ज़्यादा होती है, और ये जो है तिरछी हो जाती है भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे, तिरछी होने के कारण ये यहाँ का जो क्षेत्र होता है ये कम गर्म होता है और ये जो है ज़्यादा गर्म होता है। तो ये जो कटिबंध होता है, ये वाला जो हम कटिबंध ले रहे हैं, यह कटिबंध उष्ण होता है। फिर इसके ऊपर जाएं तो इस कटिबंध को हम यदि लेते हैं तो ये होता है शीतोष्ण, शीतोष्ण होता है, ये भी वही एरिया है शीतोष्ण, ये भी शीतोष्ण होता है, और ये जो एरिया होता है ये शीतोष्ण हो गया, और ये जो है शीत कटिबंध होता है, ये जो एरिया है ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यह एरिया जो है शीत कटिबंध है, शीत, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध है, ये जो है शीत कटिबंध हो गया, कटिबंध। तो इसका रीजन है सूर्य का असमान रूप से इस पर पड़ना, एक रीजन यह है। दूसरा रीजन यह है कि सूर्य का, पृथ्वी का जो उच्चावचय है, कहीं पर पृथ्वी का सतह बहुत ऊंचा है, कहीं पर बहुत नीचा है, एक कारण तो यह हो गया भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। क्यों गर्म होता है, इसके पीछे रीजन यह है कि ध्रुवीय क्षेत्रों पर जो, एक तो इसका झुकाव है, दो रीजन है इसके,
ध्रुवीय भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों पर असमान रूप से गर्म होने के पीछे दो कारण है। पृथ्वी का आकार, ये पृथ्वी का आकार एक आता है सामने, पृथ्वी का आकार। दूसरा रीजन आता है पृथ्वी के धरातल का असमान रूप होना, असमतल होना। ये दो मुख्य रीजन है। पृथ्वी का जो आकार है वो गोलाकार है, अंडाकार है, तो जो सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं वह भूमध्य रेखा पर एकदम सीधे जाती हैं और अन्य चीज़ों पर वह जो है तिरछी हो जाती है। भूमध्य रेखा से जैसे ऊपर या नीचे हम जाते हैं, ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, तो वो तिरछी पड़ने लगती हैं। तो उनकी जो तीव्रता है प्रकाश की, या जो उसकी गर्माहट है, वो कम हो जाती है, तो वहाँ पर कम ऊष्मा मिल पाता है। और भी है कि जो झुकाव है, तो सूर्य के सामने जो ज़्यादा ईसा पड़ता है, तो छः महीने के अंतराल पर ध्रुवों का सूर्य के सम्मुख होना 6 महीने के अंतराल पर आते हैं, इसलिए उनको ऊष्मा उतना मिल नहीं पाता है, इसलिए वो वर्ष भर ठंडे रहते हैं। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना दूसरा कारण हो गया। थल जो है ऊष्मा को जल्दी से वो गर्म होता है, जल्दी से वो ठंडा हो जाता है। और सबसे पहले है कि हमारे जो है पृथ्वी की जो बनावट है, इस पृथ्वी के बनावट में जो थल है और जो जल है, ये जो राशि है, और हम कह सकते हैं तो ये जो जल होता है, जल का जो मात्रा है वो 75% है, और जो स्थल है, जो थल है, इसकी जो मात्रा है ये जो है 25% है। तो 3/4 होने के कारण अब जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो ज़्यादा ऊष्मा तो जल पर भी गिर रहा है, यानी महासागरों के रूप में जो जल राशियां हैं, तो इस पृथ्वी का वहाँ का टेम्परेचर, जो जल राशियों के ऊपर का जो वायु है वहाँ का जो टेम्परेचर है, यह जल होने के नाते गर्म नहीं हो पाता है। आई एक बेत और भी है कि जब वायुमंडल में आता है प्रकाश तो वायु जो है सीधे नहीं गर्म होती है। एक सबसे बड़ा रीज़न यह है कि जबकि वह वायु में ही सबसे प्रवेश करता है, जब भी वो आएगा तो इस पृथ्वी के ये वायुमंडल जो हम लिखे ये बनाए हैं, इस वायुमंडल में ही ये किरणें प्रवेश करती हैं, तो फिर इसको गर्म होना चाहिए। लेकिन वायु जो होती हैं वह ऊष्मा की कुचालक होती हैं, इसलिए जो पृथ्वी पर आता है वायु प्रकाश और पृथ्वी के धरातल को गर्म करता है, और धरातल के संपर्क में होने वाली जो वायु है तब धीरे धीरे गर्म होती है, और पृथ्वी के धरातल के जलवाष्प हैं वो गर्म होकर वायु में मिलने लगते हैं। इस तरह जो है वायु को, वहाँ का वायु जो है गर्म होता है, यानी डायरेक्ट जो है गर्म नहीं होता है। तो अब इसे निश्चित हो जाता है कि पहले प्रकाश आएगा, फिर वो गर्म करेगा पृथ्वी को, यानी पृथ्वी को गर्म करेगा, तो पृथ्वी के दो हिस्से हो गए, एक तरह से हम देख सकते हैं थल हो गया, एक जल हो गया। तो जल जो है यह धीरे धीरे गर्म होता है, थल जो है तेज़ी से गर्म होता है, और इसकी तुलना में तेज़ी से ठंडा भी होता है। अब दो कारण हो गया कि थल जो है तेज़ी से गर्म और फिर तेज़ी से ठंडा भी होता है। ये जो है जल धीरे धीरे गर्म
और धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इसलिए गर्म और ठंडा का अंतराल बरकरार रहता है। तो जब गर्म और ठंडा जगहों पर मिलेंगी, अगर पास में कहीं जगह ठंडा है कहीं गर्म है, तो अब इस तरह दबांतर उत्पन्न हो जाएगा। दबांतर उत्पन्न होगा तो निश्चित है वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहना शुरू होंगी। तो यही बहने का मेन रीजन है कि वायु जो है आपकी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो ये आपके कारण रहे, पृथ्वी का असमान रूप से गर्म होने के कारण, भूमध्य रेखी और ध्रुवीय रेखी का असमान रूप से गर्म होना। क्यों ऐसा होता है? पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का धरातल असमान होता है। पृथ्वी का आकार अंडाकार है, दूसरा है कि इसका धरातल भी है तो वह एक समान नहीं है, असमतल है। और दूसरा मेन कारण है कि जल और थल जो दो रूपों का बना हुआ है, अब वहाँ पर जल थल है तो जल्दी से गर्म जल्दी से ठंडा, जल है तो धीरे धीरे गर्म होगा धीरे धीरे ठंडा होगा। तो जो जल और थल जो एक पास हैं, अब यहाँ पर जो है ये गर्म हो गया थल और ये जो है जल धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो ये जो है अंतराल होने के कारण ये होता है। तो आगे के चैप्टर में हम लोग आगे के पार्ट में पढ़ेंगे अगला हिस्सा, समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।